Hello friends, welcome to Impact Sports, the world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. Friends, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आपका जो क्वेरीज हैं उनके थोड़ा डिले रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है. फिर भी मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जितना जल्दी हो सके आप GAP एप्लीकेशन डाउनलोड करिए. मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी सॉल्यूशंस के लिए ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि हमारी टीम डेडिकेटेडली वहाँ पे अवेलेबल रहती है, तो जो भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्टली आंसर हो जाते हैं. क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आई डू अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा वेट करना भी रहता है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा. बस आज का जो सवाल है उसकी तरफ आगे हम बढ़ते हैं. तो लेट्स डिस्कस कि आज का जो सवाल पूछा गया है वो KRYZCHA वो पूछते हैं कि हेलो सर, व्हाट इफ आई वांट टू शिप अ कंटेनर ऑफ गुड्स टू USA बट आई डू नॉट हैव अ बायर येट. आई वांट टू सेल इट ओवर देयर आफ्टर लैंडिंग. Is that possible? Can I just send goods out of India without a buyer? Or do I have a registered a company in USA and buy my own product with that company? So thank you so much Mr. CHA for asking the question. Sir, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि without buyer आप जो container हैं वो send नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें आपका बायर और सेलर की जो डिटेल्स होती है जिसके लिए आपको इनवॉइस में मेंशन करना होता है. तो जो भी आप छोटी से छोटा भी अगर आपको पार्सल भी किसी को भेजना होगा तो उसके लिए आपको सामने बायर होना जरूरी है. ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कहा व्हाट इफ आई वांट टू शिप अ कंटेनर ऑफ गुड्स टू USA. यस, यू कैन शिप द कंटेनर टू द USA बट यू हैव द बायर एट इन USA. The buyer should be must. आप अपना कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं वहां पे तो आप खुद भी फॉर्म कर सकते हैं और यहां से आप अपने नाम से ही वहां पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं. राइट, तो यहां पे आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, कैन आई जस्ट सेंड गुड्स ऑफ इंडिया विदाउट अ बायर, सो मैंने कहा आपको नो, यू कैन नॉट. और डू आई हैव अ रजिस्टर्ड फॉर्म इन USA? यस, यू हैव टू क्रिएट और यू हैव टू फॉर्म अ कंपनी इन USA. राइट, तो आपको एक वहां पे फॉर्म करना रहेगा कंपनी इन USA, जहां पे आप यहीं पे आपकी इंडियन कंपनी जो है उससे आप एक्सपोर्ट करेंगे और आप ही की कंपनी जो वहां पे USA रहेगी उसका नाम आपको यहां पे इनवॉइस में मेंशन करना होता है. जो भी आप डिटेल्स अपने परफॉर्मा इनवॉइस में मेंशन करेंगे उसके मुताबिक ही बाकी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बनाए जाएंगे, चाहे फिर वो शिपिंग बिल हो, चाहे फिर वो बिल ऑफ लेडिंग हो, चाहे फिर वो आपका पैकेजिंग लिस्ट हो, व्हाटएवर, कोई भी आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके जो बनाए जाएंगे वो परफॉर्मा इनवॉइस पे बनाए जाएंगे. तो परफॉर्मा इनवॉइस में बायर का नाम होना मैंडेटरी है, चाहे फिर वो आप खुद वहां पे आपकी कंपनी ओपन करके आप ले रहे हैं वहां पे गुड्स, दैट इज ऑल्सो फाइन, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड्स को भेज रहे हो वहां पे, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट मैं आपको एक और इसमें इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप अपना खुद का फॉर्म वहां पे एस्टेब्लिश करने जाना चाहते हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिलेवेंट रहेंगे. और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वहां पे कोई भी एक ऐसी एजेंसी को हायर करें जो आपके बिहाफ में आपका कंपनी फॉर्मेशन करे, जिसके लिए आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन आपको कौन सा करना है, LLC के अंदर करना है या मतलब कंपनी फॉर्मेशन के अंदर करना है, तो वो आपको पूछा जाएगा. कौन से स्टेट आपको करना है, सो स्टेट सिलेक्शन इज मस्ट. US बिजनेस बैंक अकाउंट क्रिएशन, ये भी आपको वहां पे करना रहेगा क्योंकि आप अपनी कंपनी वहां पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो बैंकिंग इज रिक्वायर्ड इज मस्ट. US एड्रेस सेटअप इज मस्ट, जहाँ पे आपको जो भी स्टेट अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो स्टेट सिलेक्शन के बाद में आपको आपका एड्रेस जो है वो सेटअप करना रहेगा. बिजनेस नेम अवेलेबिलिटी सर्च, तो जो भी आपको नाम आप जो भी फॉर्मेशन करना चाहते हैं कंपनी का, तो वो कंपनी का नाम भी वहां पे चेक करना रहता है. जैसे हम यहाँ पे हमारे इंडिया में MCA की वेबसाइट होती है, तो वहां पे अगर आपको कोई भी फर्म का नाम या कोई भी कंपनी का नाम अगर आपको रखना है तो उसके पहले वो नाम अवेलेबल है या नहीं है वो चेक करना होता है. तो वैसे ही सेम आपका बिजनेस नेम अवेलेबिलिटी जो है वो चेक करा जाएगा वहां पे. फ्री एक्सपर्ट टैक्स एडवाइजरी, तो ये आप जो भी एजेंसी से रहते हैं तो वो वहां पे आपको गाइड करते हैं
कि किस तरीके का आपको टैक्स लायबिलिटी आपको रहेगा, किस तरह से आपको टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे करना है, कब पे करना है, तो वो आपको जरूरी डिटेल्स है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन लीगल डॉक्यूमेंट्स, जब आपका कंपनी एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद के जो लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसलिए आप अपना जो फॉर्म है वो वहां पे अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर सकें, तो उसके लिए भी ये आपको पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट को एक लीगल अथॉरिटी को हायर करना रहेगा जो आपके कंपनी फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके देती है। फ्री रजिस्ट्रेशन एजेंट फॉर 1 ईयर, कोई भी अगर आप कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं, किसी एजेंसी को हायर करना चाहते हैं, तो उसे आप इस तरह से आप हायर करें कि वो आपके साथ 1 ईयर तक रहे, ताकि अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके रखें। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको सिर्फ फॉर्मेशन करके दे देगी, उसके बाद का जो प्रोसीजर रहेगा वो कोई गाइड नहीं करेगा, फिर उसके लिए आपको दूसरे किसी को पकड़ना रहेगा। तो जो भी आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपका लीगलाइजेशन है, बिजनेस फॉर्मेशन है, तो वो आप एक ही एजेंसी से कराएं और उसको आप 1 ईयर तक कॉन्ट्रैक्ट दे के रखें, ताकि आगे चल के 1 ईयर के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो एजेंसी आपको वहां पे हेल्प आउट कर पाएगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ 1 ईयर तक, क्योंकि अगर आपने वो सब डॉक्यूमेंटेशन हो गया फ्री कर दिया उसको, उसके बाद में कोई अगर लीगल मैटर आया तो किसी और को आपको पकड़ना पड़ेगा, एजेंसी को, वो आपसे वापस से चार्ज करेगा एक्स्ट्रा अमाउंट, तो वो मैटर में हमें नहीं जाना। तो ये एक सिर्फ एक्स्ट्रा मैंने आप लोग आपके लिए रखा था मिस्टर सीएचए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में और बता सकते हैं। बाकी आपको बाहर तो चाहिएगा ही चाहिए अगर आपको कोई भी चीज एक्सपोर्ट करनी है आउट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी प्लीज कमेंट में हमें बताइए। थैंक यू सो मच।